बंधक छूटकर आए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इनमें एक 4 साल की अमेरिकी बच्ची की है। क्यों? इस बच्ची की रिहाई पर खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रेस के सामने आए और उन्होंने एक बयान दिया। 4 साल की इस बच्ची का नाम है एबिगेल एडन। 7 अक्टूबर को एबिगेल एडन ने हमास की भयंकर क्रूरता को अपनी आंखों के सामने देखा था। हमास के आतंकवादियों ने उसके सामने, 4 साल की बच्ची है ये, 4 साल की बच्ची के सामने उसकी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। वो दौड़कर अपने पिता के पास पहुंची और पिता ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। पीछे हमास के आतंकवादी उनके दौड़े और पिता पर गोली चला दी। अपनी बच्ची को अपनी पीठ से ढाल बनाकर पिता ने बेटी को तो बचा लिया, लेकिन हमास के आतंकवादियों ने एबिगेल के पिता को भी गोली मार दी। एबिगेल अपने पिता की गोद से जब गिरी तो भागकर पड़ोसी के घर जा पहुंची, लेकिन इन दुर्दांत हमास के आतंकवादियों ने उसका वहां भी पीछा किया और पड़ोसी के घर से जब लोगों को का अपहरण कर रहे थे तो वहां से इस 4 साल की बच्ची का भी अपहरण कर लिया। एबिगेल को जब अगवा किया गया तो वो 3 साल की थी। 50 दिन तक वो हमास के आतंकवादियों के कब्जे में गाजा पट्टी में रही। उसका जन्मदिन वही हुआ जब वो आतंकवादियों के चंगुल में थी। अब वो 4 साल की हो गई है। रविवार को जिन 17 बंधकों को हमास ने रिहा किया उनमें एबिगेल भी शामिल थी। इस समय वो अपने नाना और नानी के साथ सुरक्षित इज़राइल में है। Abigail was among 13 hostages released today from Gaza under the brokered and sustained, though intensive, U.S. diplomacy. She's now safely in Israel, and we continue to press and expect for additional Americans will be released as well. And we will not stop working until every hostage is returned to their loved ones. तो लगभग 240 बंधक कुल मिलाकर थे हमास के आतंकवादियों के कब्जे में। न केवल 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या की हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को, बल्कि करीब 250 को अपने साथ वापस गाजा पट्टी में लेकर आए। अभी भी करीब 170 इजरायली नागरिक, उनमें से कुछ अमेरिका के भी नागरिक हैं, कुल मिलाकर 170 लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं, उनके चंगुल में हैं। अब हम आपको इजरायल से आई एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। हमास की जो ताकत है वो सुरंगों के उस मकड़ जाल में है। उस ताकत को ध्वस्त करने के लिए, खत्म करने के लिए इसराइल के सैनिकों को एक खास जगह पर ट्रेनिंग दी जा रही है। दक्षिण इसराइल में ये एलाम का ये ट्रेनिंग सेंटर है, एलेम का, और यहां पर इसराइल के सैनिकों को अर्बन वॉरफेयर में, यानी सड़कों पर, शहरों में किस तरह से युद्ध होगा, बड़ी बड़ी इमारतों के बीच कैसे अर्बन वॉरफेयर होगा, उसकी खास ट्रेनिंग दी जा रही है। किस तरह सुरंगों में उनको घुसना भी पड़ सकता है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। और आज तक संवाददाता राजेश पवार इस समय वहीं मौजूद हैं। देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस तरह की एंट्रेंसेस है पूरे के पूरे गाजा स्ट्रिप में। गाजा स्ट्रिप में ऐसी सैकड़ों मील की तनोज बना रखी है इस वक्त हमास ने, पूरी गाजा पट्टी में जगह जगह फैली हुई हैं और ये इतनी ज्यादा डेवलप्ड हैं, उनके अंदर फैसिलिटी है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त जो हॉस्टेजेस हैं, बचे हुए हॉस्टेजेस हैं, उनको ऐसी ही अंडरग्राउंड टनल्स में रखा गया है। जो आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक एंट्री या एग्जिट है एक हमास टनल का। इस तरह की एंट्रीज बनी हुई हैं, कुछ सीढ़ियां आ रही हैं, कुछ में ऊपर से लटकी हुई लैडर है, कईयों में रोप से वो नीचे आते हैं। तरह तरह की एंट्री और एग्जिट हमास के लोगों ने बना के रखी हुई है इन टनल्स में। और ये जो टनल देख रहे हैं ये गाजा पट्टी में नहीं है, ये गाजा पट्टी की टनल नहीं है, लेकिन ये उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है। बिल्कुल वैसी ही टनल्स बनाई गई हैं जैसी गाजा पट्टी में है। और इनको बनाने का मकसद ये है कि ये जो बेस है ZLM बेस है, ये मिलिट्री बेस है IDF का, और यहाँ वो अपने जवानों को ट्रेनिंग देते हैं एग्जैक्ट उसी टनल्स में, उसी प्रकार के टनल्स में, ताकि जब वो गाजा पट्टी में जाएं ऑपरेशंस के लिए उन्हें किसी प्रकार का सरप्राइज न झेलना पड़े। ये ना हो कि अचानक वो जाएं और कहीं से हमास टपक के आ जाए, तो उन्हें पहले से ही पता है कि कहां किस प्रकार से आने हैं। और आप देख सकते हैं कि द लुक एट दिस, इस तरफ आपको देख सकते हैं कि पूरा टनल्स किस तरह बन गई है। उनके अंदर, इनके अंदर पूरा पूरा लंबा मोड़ है, सरप्राइजेस हैं।
ये आप देख सकते हैं पीछे ये कमरा है, चारों तरफ से इसमें कोई बाहर निकल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, छोटे छोटे होल्स बने हैं, ये सिर्फ हवा के लिए है ताकि हवा आ सके, आदमी अंदर सफोकेट होके मरे ना। और इस तरह के छोटे क्यूबिकल्स में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो होस्टेजेस अभी तक रिलीज नहीं किए हैं हमास ने, उनको इस तरह के सॉलिड क्यूबिकल्स में यहां से बचकर निकलने की कोई संभावना नहीं है, यहां रखा गया है कैद करके पिछले 50 से 55। और आप देख सकते हैं इसमें लाइट के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, ये देखिए ट्यूबलाइट लगी है, सब कुछ है। ये टनल्स इतनी एडवांस्ड हैं कि कई कमरे एयर कंडीशन है उसके अंदर, और कुछ इलाकों में वो इतनी बड़ी है कि उसमें ट्रक तक जा सकते हैं। लेकिन आईडीएफ को इसकी पूरी जानकारी है, हमारी आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन से भी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया है कि उनको हर टनल के बारे में पता है, कहां कमरा है, कहां क्या है, पूरा लेआउट उनको पता है, और इन लेआउट को वो इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें क्लियर करने जाते हैं। इनको क्लियर करने की क्या टेक्निक्स हैं उन्होंने हमें बताया कि जहां उन्हें कंफर्म